नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत करता हूँ 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों देखिए, बच्चों कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, सीनन मेथड आपको समझाया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कहीं हद तक मैं सफल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हम लोग लेंगे बच्चों, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए बच्चों, ये ऑफर है, ये ऑफर आपका चल रहा है मंथ एंड सुपर सेल, ठीक है बच्चों। इसमें आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा और प्लस 5% एक्स्ट्रा ऑन ऐप अगर आप ये वाला कोड लगाते हो, ठीक है। बट अगर आप सपोज मेरा फैकल्टी कोड U195 कोड लगाते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उस पर आपको 32% का फ्लैट डिस्काउंट है और प्लस 5% अगर आप ऐप के थ्रू करते हो तो, ठीक है बच्चों। तो आप अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी है, एडा 247 के कोई भी प्रोडक्ट आपको लेने हैं, लाइव क्लासेस हुआ, माप एक्स हुआ, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स या और भी कुछ चीज़ें हैं, तो अपने और अपने फ्रेंडों के साथ भी इसको शेयर करिए, है ना। क्योंकि ये मंथ एंड का आपका सेल चल रहा है, तो ये इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके चीज़ों को अब अच्छा करिए, ठीक है बच्चों। कहाँ से चीज़ लेनी है, कहाँ पे आपको विजिट करना है, ynow@247.com, ठीक है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए और चीज़ों का मजा लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, जो आज आपका क्लास 9 है, अप्रोक्सीमेशन स्पेशल टाइप क्वेश्चंस भी होंगे आपके, अप्रोच भी बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन आपके कल रह गए थे, पहले वो सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। जो आपका मैं डिजिटल सम जो बता रहा था, जैसे ये क्वेश्चन था बच्चों, आपको कल के सारे कंसेप्ट याद है। डिजिट को जब तक जोड़ते हैं जब आपको 9 नहीं मिल जाए, और C9 होता क्या है, किसी नंबर में जब 9 का डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर बचता है उसको C9 बोलते हैं। पॉइंट को इग्नोर करना है, परसेंटेज को इग्नोर करना है, डिवाइड इसमें लगता नहीं है। डिवाइड अगर इसमें नहीं लगता है तो डिवाइड में मैंने बताया था क्या क्या होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 6, 3, 9 हो जाए तो इसमें फॉलो नहीं करेगा। अगर 1, 2, 5, 4, 7 और 8 हो जाए तो आपको याद हो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में, 2 का 2 में 5 का, इसमें 7 में, इसमें 4 में, इसमें 8 में, तो ये नीचे डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये सारी चीज़ें कल मैं आपको सिखा चुका हूँ, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत से बच्चों ने आंसर पोस्ट भी किए थे, बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा आप आंसर पोस्ट करते हो, बट देख लीजिए आपका आंसर कोई गलत तो नहीं है, ठीक है बच्चे। देखो जरा, पहले ऑप्शन का मैं डिजिटल रूट बनाऊंगा, ऑप्शन का, ठीक है बच्चे। पहले ऑप्शन का मैं डिजिटल रूट बनाने का आपको प्रयास करूंगा। देखो बच्चे, देखो 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 7 और 5 12, 12 का हुआ 3, 9 का 9 के 7 और 5 12, 12 का हुआ 3, ठीक है। 2 में 3, 3 आ रहा है। 9 का 9 कैंसिल, 7 और 5 12, 7 और 4 11, 11 का मतलब 2। 9 का 9 कैंसिल, 5 और 5 10, 17, 17 का मतलब हो गया 8। 9 का 9 कैंसिल, 16, 16 का मतलब हो गया 7, है ना। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में देखो, मैंने बोला था पॉइंट को इग्नोर करते हैं, पॉइंट इग्नोर कर दिया, पॉइंट को इग्नोर करते हैं, 9 को भी इग्नोर करते हैं, 9 को 0 मान लेते हैं। तो देखो 6 दूनी 12 तो 14, 14 का मतलब ये होगा 5। 6 दूनी 12 तो 14, 14 का मतलब हुआ ये 5। पॉइंट को इग्नोर कर दिया, बीच में प्लस है। 7 और 5 12 का मतलब 3, ठीक है। गुणा 4, 4, 4, 4 बार लिखा हुआ 16, 16 का मतलब कितना हुआ आपका 7, प्लस पॉइंट को इग्नोर कर दिया बचा 8, गुणा 9 को इग्नोर कर दिया बचा 5, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5 प्लस 7 या 21 प्लस 8 पंजे 40, ठीक है। तो 5, 21 को 3 लिखेंगे, 40 को 4 लिखेंगे, ठीक है बच्चे। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हुआ 3। अब 3 आ गया तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ई नहीं हो सकता। देखो बच्चे, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास तीन टूल्स होते हैं, शायद आपको याद हो। पहला टूल्स क्या होता है, C9 मेथड। सेकंड टूल्स क्या होता है, डिजिट यूनिट, यूनिट डिजिट चेक करना, यूनिट डिजिट। और थर्ड हमारा लास्ट टूल्स क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करना, लास्ट की 2 डिजिट बच्चे चेक करना। अब हमने पहला हथियार यूज किया, इसमें हमारे 3 ऑप्शन कट गए, CDE। तो बच्चे देखो, या तो ऑप्शन सी, या तो ऑप्शन आपका ए हो सकता है, या तो ऑप्शन बी हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन ए में नंबर कितना है, 97559, और ये कितना है 9750। या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। बच्चे समझना बेटा, समझना बेटा, समझना। इस ऑप्शन की यूनिट प्लेस 9 है, इस ऑप्शन की यूनिट प्लेस आपकी 9 है, इस ऑप्शन की यूनिट प्लेस आपकी 0 है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन की हम लोग यूनिट प्लेस निकालने का प्रयास करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन की हम यूनिट प्लेस निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। यूनिट प्लेस अगर आपकी 0 आ गई तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अगर 9 आ गई तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखो यूनिट प्लेस निकालेंगे, देखो समझना बेटा, यूनिट प्लेस में भी गलती हो जाएगी आपकी। पहले पूरा क्वेश्चन लिखता हूं, पहले पूरा क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, समझना। 6269 प्लस 0.75 गुणा
चार 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 प्लस 0.8 गुणा 185 है ना। अब मैं आपका यूनिट प्लेस निकालने का प्रयास करता हूं। देखो तो इसकी तो यूनिट प्लेस बड़े आराम से बता सकता हूं, 9 है प्लस, यहां पे दिक्कत होगी आपको। तो ये आप काम करो, 0.75 को जब सॉल्व करोगे तो 3/4 आएगा नहीं आएगा बोलो, और 4 से काटोगे तो कितना आएगा 1111, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3333। तो ऐसे आप सॉल्व कर लो तो इसकी 3 आ गई। बहुत से बच्चे 0 ले लेंगे, 5 चौके 20, अरे पॉइंट भी तो आएगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट प्लेस कितनी है 3, जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ऐसे इसको कर लो, 0.8 को सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा, और 5 से इसके काटेंगे तो 5 37, ये होगा 7 3 21, 21 का 1 कुछ गलत, 7 चौके 28, 8 आएगा। ठीक है, अब देखो 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 का मतलब एंड में 0 आएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बेटा एक बार मैं आपको दोबारा इसका यूनिट प्लेस निकालना बता रहा हूं। देखो बेटा, एक्सपोजर क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन नंबर या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। इसकी यूनिट प्लेस 9 है, इसकी यूनिट प्लेस 0 है, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल रूट कितना आ रहा था, मेरे प्यारे बच्चों 3, तो ऑप्शन नंबर ए में 3 था, ऑप्शन नंबर बी में 3 था, तो ये 3 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब आप अपना सेकंड हथियार उठाओगे, सेकंड टूल उठाओगे, कौन सा वाला, यूनिट प्लेस मेथड। तो इसका यूनिट प्लेस 9 है, इसका यूनिट प्लेस 0 है, तो किसी एक का मैच करके तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखो यूनिट प्लेस लेते हैं, कैसे लेते हैं मैं बताऊं, ये बताओ 6269 का यूनिट प्लेस कितना है, 9 ले लिया, प्लस इसका यूनिट प्लेस कितना है, 0.75 गुणा 4444, इसका यूनिट प्लेस कितना है भी आपको सॉल्व करके बताया। इसको 0.75 आप 3/4 ले लो, 4 से इसको काटो 1111, गुणा करेंगे 3333, तो इसका यूनिट प्लेस हो गया आपका 3 प्लस। इसका यूनिट प्लेस कितना है, तो देखो 0.8 को सॉल्व करोगे 4/5 × 185, जब इसको काटोगे 37 37, गुणा करेंगे एंड में 8 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे 9 3 12 और 8 20, एंड में 0 आएगा, 0 यूनिट प्लेस 0 आएगा, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड में 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखना बेटा एक बार आप, है ना, इस देखो इसका यूनिट, इसका डिजिटल रूट कितना, देखो 7 और 2 9 कैंसिल, 7 और 4 11 का 2, 7 और 2 9 कैंसिल, 8 और 4 12 का 3, 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 4 10 का 1, 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 4 10 का 1, ठीक है बच्चे 1। अब देखो इसको यूनिट प्लेस निकालते हैं, डिजिटल रूट निकालते हैं। देखो इसका 7 गुणा 7 और 7 14 का मतलब 5, माइनस 5 और 2 7, 7 और 2 9 9 का मतलब 0, बराबर एक्स गुणा 8, ठीक है एक्स गुणा 8, 7 5 35, 35 का मतलब होता 8, तो 8 बेटा समझना, 8 इक्वल टू एक्स गुणा 8, ठीक है बच्चे x गुणा 8, समझ में आया बेटा x गुणा 8, क्लियर है बात बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो है बेटा x बराबर कितना आ गया 8/8, आपको अच्छी तरह पता है जैसे नीचे 8 आता है डिनोमिनेटर में, तो आप ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका 64 हो गया, और ये आपका 64 का मतलब ये 1 हो गया, तो यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। अच्छा यहाँ भी बेटा देखो, या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, समझो बेटा। अच्छा सी में ऑप्शन है 2467 और डी में आंसर है 2476, इसकी यूनिट प्लेस बेटा समझना बेटा, ये भी उस टाइप का क्वेश्चन यूनिट प्लेस की हेल्प से निकलेगा, या तो ऑप्शन नंबर बेटा सी हो सकता है या डी हो सकता है। इसकी यूनिट प्लेस 7 है और इसका यूनिट प्लेस 6 है। अब आपको यूनिट प्लेस चेक करना है, यूनिट प्लेस कैसे चेक करेंगे, देखो बेटा, देखो इसकी यूनिट प्लेस कितनी है बेटा 4003 की 3, यूनिट प्लेस उतार रहा हूं, यूनिट प्लेस 3, इसकी 7, यहां पर 5, बराबर एक्स गुणा 6 है ना, एक्स गुणा 6, तो 7 3 21 7 3 21, 21 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा आपका 16, 7 3 21, 21 में से 5 घटाएंगे बचेगा 16, 16 का 6 बराबर एक्स गुणा 6, ठीक है बेटा। अब आपको उसको प्रूफ करना है, देखो बेटा या तो यूनिट प्लेस, या तो एक्स की जगह 7 आएगा या एक्स की जगह एंड में 6 आएगा। देखो बेटा अगर एक्स की जगह आप 7 रखते हो मान लीजिए, तो देखो गुणा करेंगे 7 6 42 आएगा कितना 2, तो यहाँ पे कितना है बेटा 6,
समझ रहे हो, अगर एक्स की जगह सेवन रखते हो तो इसको एलएचएस बराबर आरएचएस से मैं प्रूफ कर रहा हूं, एलएचएस बराबर आरएचएस से प्रूफ कर रहा हूं। एलएचएस में सिक्स लिखा हुआ है बराबर, एक्स की जगह मैं सेवन लिखता हूं, सेवन इंटू सिक्स करूंगा तो एंड में आएगा टू, तो सिक्स बराबर टू तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। एलएचएस बराबर आरएचएस, यहां पे तो सिक्स है, अगर मैं एक्स की जगह सिक्स लिखता हूं, सिक्स गुणा सिक्स, एंड में सिक्स आएगा, बराबर हो गया सिक्स बराबर सिक्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2476, समझ में आया बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2476, समझ में आ रहा है। कैसे अगर दो डिजिट सम सेम मिलते हैं आप कैसे इसको फॉलो करोगे बच्चों, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। देखो बच्चे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो कुछ किसी अगर कंसेप्ट की कुछ खूबसूरती है तो कुछ इसकी नेगेटिव चीज भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में टाइम नहीं है और इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हो तो डिजिट सम से लगा दो, आप सीनन मेथड को यूज कर दो, 100% एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं आएगा, हाँ 99% एक्यूरेट हो सकता है। देखो अगर इस पांच में तुक्का लगाओगे, तो सही होने की पॉसिबिलिटी कितनी, केवल 20%, क्योंकि पांच ऑप्शन है, लेकिन जब या तो डी हो सकता है या ई हो सकता है, जब दो में तुक्का लगाओगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%। प्रैक्टिकल पे बात किया करो, समझ रहे हो, जब पांच ऑप्शन में तुक्का लगाओगे सही होने की पॉसिबिलिटी केवल 20%, जब दो ऑप्शन में तुक्का लगाओगे तो सही होने की पॉसिबिलिटी 50%, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, पांच में 20% ही सही है। तो आपको पता है या तो ऑप्शन डी है करेक्ट या ई है, नन ऑफ दीज आ गया, इसलिए तो ई भी हो सकता है, लेकिन बहुत से केसों बच्चे नन ऑफ दीज बहुत कम होते हैं, तो आप डी लगाकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, इसको देखो आपको पता है मैंने बोला था परसेंटेज को इग्नोर करते हैं। पहले देखो इसका ऑप्शन का निकाल लीजिए, इसका वन आएगा, सातों तीन दस, इसका वन आएगा, ये नौ का जीरो आएगा, ये आठ आएगा, ये दो आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था परसेंटेज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। देखो ये कितना आएगा, चार और चार आठ और एक नौ, बेटा नौ का मतलब होता है जीरो, जब जीरो हो गया तो जीरो का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया, नहीं हो गया बताओ, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में जब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया, तो जीरो माइनस देखो 44 ऑफ परसेंट, 44 का मतलब हो गया 8% को इग्नोर करते हैं, गुणा 8 और 5 13, 13 का मतलब हो गया 4 बराबर 2 प्लस एक्स, तो देखो 0 माइनस 8 और 4 12, 12 का मतलब 3 माइनस 2 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे माइनस 5, देखो मैंने गलती कर दी ना कुछ, देखो मैंने गलती कर दी ना कुछ बेटा, ये गुणा था ना, गुणा मैंने गलती कर दी, देखो ये गलती, ये तो जल्दबाजी है, ये देखो मैं आपके सामने गलती करी है मैंने, देखो 8 चौके 32 होता है, 8 चौके 32, 32 का मतलब होगा 5, और ये माइनस 2 यहाँ पे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी माइनस के 7, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 7, आपको पता नेगेटिव वैल्यू जब आती है और जब इसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो 9 में से घटा देते हैं, तो x बराबर होगा कितना 9 माइनस 7 मतलब दो, तो इस पूरे क्वेश्चन में बेटा कितना आएगा, दो, किस में दो है, केवल e में दो है, तो ऑप्शन नंबर e इज करेक्ट, समझ में आया ना। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, है ना क्लियर हुए बच्चों, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कोई झंझट नहीं था, इसको करते हैं एक बार। ओहो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको, मैं लिटरली बता रहा हूं आपको। डिवाइड में ये यूज नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया था अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर को मैं वन बना लूं, वन, तो यूज कर सकता हूं। इस पूरे को सॉल्व करेंगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से, एक बार आप ट्राई करो, है कितना सुंदर क्वेश्चन है ये, डिट सम से निकालेंगे इसको। ठीक है बच्चे, देखो इसका कितना होगा, पांच और तीन आठ, आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह का मतलब कितना होगा बेटा दो, इसका मतलब आठ, इसका मतलब वन, इसका मतलब थ्री, और इसका मतलब आपका तीनों दो पांच और एक छः। ठीक है बेटा,
देखो 9 कैंसिल हो गए, 3 हो गए। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/13, 1/13 को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1/13 को 1/4 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 7 और 2 9 कैंसिल, ये बचा आपका 6। इसको ऐसे लिख देता हूँ, कुछ छेड़ता नहीं हो बिल्कुल भी, ऐसे लिख देता हूँ। प्लस प्लस ये 3/14, 14 का मतलब 5 हो गया नीचे, गुणा 6 और 3 9 कैंसिल, ये हो गया आपका 7, ये हो गया बेटा आपका 7 है ना। प्लस 200% है, 200% का 2 आएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई आएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 3 और 2 5, और इसको देखो, इसको देखो 5 और 3 8 और 1 9 कैंसिल, और ये 3 जो बचा वो इधर माइनस में आ जाएगा, ये बराबर एक्स। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6, इसको डिवाइड नहीं करना, काटना नहीं है, ऐसे छोड़ दो, 3/5, इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 या 21/5, इसको भी हम कैंसिल आउट कर, 2 और 1 3 भी लिख सकते थे लेकिन करेंगे बाद में, ठीक है। ये देखो ये कितना हो गया बेटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से 6 दूनी 12, 12 का मतलब कितना होगा, 3, 3 माइनस 3, और ये एक्स, ठीक है बेटा। अब देखो आपको जितना पता है, जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, जब भी डिनोमिनेटर में आपका 4 होता है, तो ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई करा दो, यदि 7 का मल्टीप्लाई करा होगा डिनोमिनेटर 7 चौके 28 1 बन जाएगा, आपको पता ही है। जब भी डिनोमिनेटर में 5 होता है, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 का मल्टीप्लाई से फायदा क्या होगा, नीचे वाला 1 बन जाएगा, ये आपको पता ही है। प्लस 3 से माइनस 3 कट ही गया। अब देखो बेटा 7 6 42, 42 का मतलब कितना हुआ, 6, 21 दूनी 42, 42 का मतलब कितना हुआ, 6 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिटेल सम कितना आ रहा है, 3, केवल डी में 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इट इज क्लियर टू एवरीवन, इट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। तो हम लोग, अगर आपके पास कंसेप्ट है ना बच्चे, अगर आपने अच्छी तरह चीज को सीखा, तभी आप इसको लगा सकते हो, इस मेथड को, या ऊपर ऊपर से सीखा है ना, ये आपने जिससे सीखा उसको ही नॉलेज नहीं थी, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पैटर्न समझ में आया होगा। अब आप प्रैक्टिस करो बेटा, क्लास में इतना ही मैंने 11 क्वेश्चन करा दिए, कंसेप्ट बता दिया, अब आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को लगाओ, जो चीज़ें मैंने बताई उसको फॉलो करो, और कम से कम इस मेथड का यूज करना। जब आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखे, जब वो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखे, आप पे समय नहीं है लेकिन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, तभी C9 मेथड को फॉलो करो, ज़्यादा इसको फॉलो नहीं करना, नॉर्मल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वैसे तो, लेकिन जब क्वेश्चन ज़्यादा लंबा दिखे, समय नहीं है, तब आप इस पैटर्न को फॉलो करो बच्चों। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, अब मैं आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। देखो जब भी अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे हेडिंग बोलता है, वॉट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। बेटा जब भी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो बोलेगा फाइन वॉट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन द, है ना, लगभग आपको मान बताते हैं। अच्छा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दो तरीके के पूछता है आपके, एक पूछता है फाइंड द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ द एक्स या क्वेश्चन मार्क, एक पूछता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अभी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं, खुद बता रहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है, अनुमानित मान बताना है, हेडिंग में देता है, तो आपको पता ही है। अभी हम C9 मेथड सीख क्या है, मैंने बोला था C9 मेथड अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में जो हम सीखने वाले हैं उसमें यूज नहीं होता है, ठीक है बच्चे, इसमें यूज नहीं होता है, समझ में आया। और अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस में हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू का अज्यूम कर लेते हैं, जैसे एक चीज बताओ, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको, जैसे कहीं आप स्क्वायर रूट सॉल्व करो, 120 लिखा हुआ है, आपको पता है 120 किसी का नहीं होता, तो इसको 120 की जगह हम अप्रोक्सीमेट अपने मन से 121 ले लेंगे, क्योंकि हम पता है अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, अनुमानित मान निकालना है, तो हमें पता है इसका 11 होता है। मान लो कहीं लिखा हुआ है आपका 15.98, तो पता 15.98 किसका स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन हाँ इसको अगर हम 16 मान लें इसके नियरेस्ट, तो 16 का होता है 4, हमें ये पता है ना। मान लो कहीं ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये कहीं लिखा हुआ है, सपोज एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 14.79 और नीचे लिखा हुआ है 4.81, तो आपको पता है आप इसको ऐसे काटने मत लग जाना, तो आपको पता है 14.79 को अप्रॉक्स में आप 15 लोगे,
और 14.81 को, 4.81 को अप्रॉक्स में आप कितना लोगे, 5 लोगे, तो काटने पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा बेटे, काटने पर कितना मिलेगा बच्चे, 3 मिलेगा। तो ऐसे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज करेंगे और आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो और चीज़ों को सीखना पड़ेगा। याद रखना एक चीज़, जितने भी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट के होंगे आपको पहले ही एग्जामिनर इंटीमेट कर देता है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो लगभग मान को हम यूज करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में C9 मेथड मत लगा देना, क्योंकि मैंने कल पहले ही बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन में C9 मेथड का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। C9 मेथड का यूज कब होता है, जिनकी एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू आती है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आएंगे, इसको हम लेट करेंगे। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, और क्वेश्चन के भी पर हम चीजों को सीखने का आपको प्रयास करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें आप वो मत लगा था डिजिटल सम की 2, 4, 2, 4, 6 और +1, 7, नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको डिजाइन ही दिख जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का, ये डिजाइन ही है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 24.001, इसको हम 24 लेंगे, इसको हम 15 लेंगे, इसको हम 10 लेंगे, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन। पहले मैं 24 × 15 कर देता हूँ, देखो 15 × 4 = 60, हासिल लगा 6, 15 × 2 = 30, 30 × 6 = 36 × 10, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 3600। आंसर कितना आ गया बेटा, 3600, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत सिंपल था, आप भी कर लोगे और हर बच्चा कर लेगा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है। बस सिखाने वाली बात ये थी कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है, 24.01 का 24 लेना है, इसका नियर बाय 15 लेना है, इसका नियर बाय 10 लेना, आपस में मल्टीप्लाई, जय माता दी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो बच्चे, समझना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। एक चीज बताओ बेटा, 34.12% ऑफ 10,800 डिवाइड बाय 3 +1.04 = 7x, ये 7 × (?) है ये। अच्छा एक चीज बताओ, इस परसेंट को मैं हटाऊंगा तो ये दो जीरो कट जाएंगी, तो बचेगा कितना बेटा, 34 × 108 डिवाइड बाय 3, है ना, डिवाइड नीचे ले गया, +1 = 7x, क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लिया, इसको जब मैंने काटा तो ये हुआ 36, तो ये हो गया आपका 34 × 36 + 1 = 7x। अब आप मुझे बताओ, या तो 34 × 36 कर लो आप, या तो हार्डवर्क कर लो, या कुछ कंसेप्ट को याद कर लो जो मैंने आपको क्लास में सिखाए थे। मैंने आपको आपको शायद याद हो मल्टीप्लीकेशन में ट्रिक सिखाई थी, कंजुकेटिव इवन नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे हमें 10 × 12 में करना है, ये कंजुकेटिव इवन नंबर का मल्टीप्लाई है, 10 के बाद इवन नंबर 12 ही आता है, तो इनके बीच का नंबर कितना हुआ, 11, तो जो बीच का नंबर इसको स्क्वायर करके 1 घटा देते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में 1 घटाएंगे 120, ठीक है बच्चे। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना 6 × 8 का, तो 6 के बाद 8 ही आता ना कंजुकेटिव इवन नंबर, इनका बीच का नंबर कितना हुआ 7, 7 का स्क्वायर -1, तो आंसर 48, समझ में आया बेटा। अब देखो आपको 34 × 36 करना है, ये कंजुकेटिव इवन नंबर है या नहीं, तो गुणा कैसे करेंगे, इनके बीच का नंबर 35, 35 का स्क्वायर -1, ये गुणा हो गया, आगे +1 = 7x, बोलो बेटा आगे 7x, आगे 7x, समझ में आया बच्चों, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो -1 से +1 कट गया, 35 का स्क्वायर होता 12 × 25 = 7x। बेटा यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है, x की वैल्यू आएगी 12 × 25 / 7, 7 × 7 बचेगा 52, बचेगा 52, ठीक है, बचेगा 52, 77 × 49 बचेगा कितना आपका 3, और 7 × 5 = 35, 175। बेटा यहाँ ऑप्शन थोड़े से टाइप गलत हो गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आंसर इसका आएगा 175, समझ में आया बेटा, ऑप्शन इसका कितना आ जाएगा बेटा 175। मेरी बात समझ में आया बेटा, कैसे किया मैंने, कंसेप्ट को सीखो आप, है ना। तो ये बताओ 34 × 36 करना था, 34 और 36 का बीच का नंबर 35, तो 35 का स्क्वायर -1 कर देंगे, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई की जगह मैंने लिखा 35 × 35 - 1, और आगे +1 था, आगे +1 था = 7x, अरे हमने गलती कर दी गुणा करके, माइनस ये कट गया, 7 से सीधे काटेंगे 5 बार, 35 × 5 होते हैं 175, डायरेक्ट आपका आंसर, ऑप्शन यहाँ पे बेटा गलत टाइप हो गए, माफी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 175, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप, फॉलो करना है आपको कंसेप्ट को, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब देखो ये देखो 8
ये देखो बच्चे समझना, 98.88 है ना, ये दिया हुआ है। क्या इसको राउंड फिगर में आप 900 ले सकते हो? क्या इसको राउंड फिगर में आप कितना ले लो, आप मुझे बताओ। ये देखो आप, ये देखो इसको राउंड फिगर में आप कितना ले लो बताओ, 898.88 को राउंड फिगर में 900 ले लो, डिवाइड कितना नीचे 190, ठीक है 190, ठीक है बेटा ये 10 है, ठीक है ये 10 है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बराबर 84 है, ये बराबर कितना है बेटा 84 है, ये बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों 84 है, ठीक है एक सेकेंड, ये यहां पर एक सेकेंड बेटा है, देखो बेटा यहां पर ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक सेकेंड बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग वाले से गलती हो गई है, ये यहां पर ना बेटा ये देखो ये 1898 है, तभी हम बोलूँ इतना कैलकुलेटिव कैसे हो जाएगा, 1898.88 है तो 1898 को 1900 आप ले लोगे, मैंने ऑप्शन से चेक किया, से कैलकुलेशन गलती है बेटा, टाइपिंग एरर है, तो 1900 को काटेंगे 10 आएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर बराबर 84 माइनस 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और एक्स की जगह हो जाएगा 8। बेटा अभी मैं आपको प्री लेवल वाला करा रहा हूँ, प्री लेवल, अभी आपको मेंस लेवल भी मैं अप्रोक्सीमेशन करा दूंगा, आप बेफिक्र रहो, पेपर आने दो मेंस लेवल के, है ना, अभी प्री लेवल चल रहा है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको समझो बेटा, ये यहाँ पर 1898 है, समझ में आया बच्चे, ये यहाँ पर 1898.88 है, तो 1898.88 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1900, और इसको इसको क्या लिख सकता हूँ 190, क्योंकि मुझे पता है नीचे 190 ऊपर 1900 को सीधे सीधे कट जाएगा 10 बार, ठीक है, ये प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 84, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 64, एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 8, तो ऑप्शन नंबर बेटा डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बेटा डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए बेटा क्लियर होंगी, फटाफट इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन का, कह रहा 45.1% ऑफ 499.99, अब मुझे बताओ इसको 45% लिखोगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इसको आप 500 लिखोगे, गुणा, ये गुणा है बेटा, x अपॉन 100 लिखोगे आप, यहाँ पे 120 लिखोगे बराबर एक्स स्क्वायर, जैसा फटाफट फटाफट लिख दिया हम स्पीड से, ठीक है ये देखो 5 से इसको काटा 5 बार, ठीक है बेटा, अच्छा 20 के टेबल से 6 टाइम, ये 5 टाइम्स, 5 से पूरा 5 चला गया, 5 से पूरा 5 चला गया, ये 5 से पूरा 5 चला गया बच्चे, ठीक है कोई दिक्कत किसी प्रकार की, अच्छा ये एक्स से ये वाला एक्स कट गया, ये वाले x से ये वाला x कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 270, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये x था ना, इस x से ये वाला x कट गया, दो ये दो बार x लिखा हुआ था, x स्क्वायर था भाई, ये x स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्रों, x स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर, x दो बार लिखा हुआ है ना यहाँ पर, x गुणा x, तो x से ये वाला x कट गया, केवल सिंगल x बचा यहाँ पर, और 45 कितने होते हैं 270, या तो आप 45 बोल दो, मान लो 45 का टेबल नहीं पता, तो 90 का डबल करो, 45 का डबल करो 90 और 6 का आधा करो 3, जो 45 सिक्सा होगा वही तो 90 इंटू 3 होगा 270, ये मन में करते हैं, 45 सिक्सा मुझे पता नहीं था तो जैसे मन में क्या 45 छिगे वही होगा जो 90 गुणा 3 होगा, क्योंकि 45 का आधा 90 और 6 का आधा 3, जहां 45 को आपने डबल किया उसके बगल वाले को आपको आधा करना पड़ेगा, तो 90 गुणा 3 270, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समझ में आया बच्चों, इट इज क्लियर टू एवरी वन। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, ये देखो ये जो वैल्यू है इसको मैं 1820 लिख सकता हूँ, इसको मैं 455 लिख सकता हूँ, प्लस ये 441.01, ये 441 है राउंड फिगर में, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 21 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये देखो अप्रोक्सीमेट आ गया, अब सुनो मैंने अप्रोक्सीमेट आपको तरीका बताया था शायद आपको याद हो, अब आप देखो, अब जैसे बच्चों ने पूछा सर कैसे पहचाने, ऐसे पहचाने, ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये जो स्क्वायर रूट आया होगा ये वाला, ये अप्रोक्सीमेट ही आया होगा बेटा, ये 54.82 ये अप्रोक्सीमेट ही आया होगा, अब मैंने अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट आपको सिखाया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखो 54.75 मान लेता हूं, इसका मुझे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट बताना है, देखो बेटा आपके सामने करूंगा जैसा कंसेप्ट सिखाया था, देखो मैंने बोला था इसको जीरो लिख लेते हैं यहां पर, और लास्ट वाली टू डिजिट को आपको कट करना है, ठीक है, ये बच्चा आपके 54, किसके ऐसा स्क्वायर है जो 54 से कम हो, 7 का, 7 का स्क्वायर 49, 7 लिख दिया, और मैंने बोला था नीचे प्लस लगाते हैं, आगे प्लस लगाते हो नीचे इसका डबल करते हैं, डबल आ जाएगा 140,
याद है शायद आपको, इसका डबल लिखते हैं, डबल 140। अब मैंने बोला था 70 का स्क्वायर मन में करेंगे 4900, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इनका दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटे, 575। तो राउंड फिगर में ऊपर 575 है, नीचे 140 है, राउंड फिगर में काटोगे 14 चौके 56, 560। तो राउंड फिगर में चार बार कटेगा, तो राउंड फिगर में चार बार कटेगा तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 74। राउंड फिगर में तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चे, 74। समझ में आया? अगर अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में जाइएगा, और अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सिखाए, यहां पे इनका यूज हो गया। तो 54-75 का मैंने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाला, अप्रोक्सीमेट तो कितना है, 74। बेटा अब देखो, करी हुई चीज आपको नहीं आ रही होगी तो उसमें मेरा कसूर नहीं है बेटा, मैंने तो आपको एक एक चीज सिखाई है। मैंने स्पीड से इसलिए करती क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका हूं। आप अगर प्लेटफॉर्म पे नए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो घबराना नहीं है, आपको पहली बार सीख रहे हो तो अभी ऐसे स्पीड से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट का क्लास नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन का क्लास है। तो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट में मैंने बड़ा बेहतरीन समय देकर आपको समझाया है, आप वहां पर फोकस कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, देखो सॉल्व कैसे करता हूं मैं सिखाता हूं। देखो बेटा आप ये बताओ, ये 45 का, ये देखो अब ये तो 45 गुणा 4 कितना होता है, 450 गुणा 4 मन में 1800, और 5 गुणा 4 कितना होता है 20, तो 1820 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली बेटा ये पूरा पूरा चार बार कट रहा है, ये पूरा पूरा चार बार कट रहा है, बोलो हाँ या ना, पूरा पूरा चार बार कट रहा है। तो 21+4 हो गया 25, 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 74, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो 14 में से 5 गया तो आपको 9, और 6 में ये 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समझ में आया बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसी स्पीड आपकी होनी चाहिए तुरंत, है ना। आप इसको 1820 अपॉन 455 इसको कैंसिल आउट करो, 5 की टेबल से 2 की टेबल से, नहीं बेटा आप निगाह तो मारो निगाह यार, 45 का मतलब 450 है, ये 450 चौके 1800, 5 चौके 20, तो ये बेटा 1820 आ रहा, ऊपर भी 1820 है, सीधे सीधे चार बार काटोगे नहीं काटोगे, यही आपको सीखना है क्लास में बेटा, वरना आप तो पढ़े लिखो आप भी जानते हो कैलकुलेशन, तो ये आपको टेक्निक सीखनी है क्लास के अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बड़े ध्यान से समझना बेटा। ये बताओ ये 511.79 है, ये बताओ इस पे 1/3 लिखा हुआ है पावर, 1/3 का मतलब क्यूब रूट, तो 511 तो होता नहीं है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा होता है, 512, इसको हम क्या मान लेंगे, 512, 512 का क्यूब रूट होता है 8 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्या मानेंगे, 484 कितना होता है बेटा, 22 होता है ना, प्लस अब देखना बेटा ये 52% ऑफ 550 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको 130 इसको 13 मान लीजिए, ठीक है बेटा। अब आपको यहां पे एक बेहतरीन चीज सिखाता हूं मैं आपको, 52% ऑफ 450 आपको करना है, 52% देखो यहां सिखा रहा हूं समझना, जो बच्चे समझ लेंगे मजा ले जाएंगे, 52% 450 करना है, क्या 52% ऑफ 450 को मैं ये लिख सकता हूं, 52 ऑफ 450%, अरे क्या किया मैंने, परसेंट तो किसका बगल में तो लगाया है, परसेंट को किसका के बगल में तो लगाया है, क्या मैं इसका ये ले सकता हूं, 550% ऑफ 52 एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, अरे जब ए परसेंट ऑफ बी बराबर बी परसेंट ऑफ ए, एक ही बात है ना, परसेंट को किसका के इधर ही तो लगाया 550 के बगल में, तो आपको 550% ऑफ 52 करना है। देखो माइंड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 550% ऑफ 52 करना है बेटा, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो ये बताओ 100% की वैल्यू तो 52 है ही, और 50% की वैल्यू आपकी इसकी आधी 26 है, आपको 550% निकालना है, तो 100% की वैल्यू जो 52 है तो 5 का गुणा करेंगे, 500% की वैल्यू कितनी होगी, 260, और 50% की वैल्यू 26 है, तो जब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे 286, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये 550% की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, दोबारा सीखो ये बताओ, 100% की वैल्यू अपने आप, कोई भी नंबर अपने आप में 100% की वैल्यू 52, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आधी कर दो 26, अच्छा 100% का अगर 52 तो 500% कितना होगा, 500% 5 गुना कर दो इसका 260 हो गया, और 50% की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है आपकी 26, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 286,
कितना हो जाएगा बेटा 286, तो पहले इनका गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 176 प्लस 286, समझ में आ रहा है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? ये मल्टीप्लाई है ना, 22 गुणा 8 प्लस 286, ठीक है, माइनस 390 बराबर एक्स, बराबर एक्स, ठीक है बच्चे। अब इनको ऐड कर लो, 6 और 6 12, कैरी 1, 8 और 8 16, कैरी 1, ये 4, इसमें 390 आप घटा दीजिए, आंसर आ जाए आपका 72, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। समझ में आया प्यारे बच्चों? मैंने बार बार सेशन में सिखाता हूँ आपको, ए परसेंट ऑफ बी बराबर किसके, बी परसेंट ऑफ ए, की बात है ना, मैंने कर क्या रहा हूं, या 2 गुणा 3 बटा 100 कर लो, या 3 गुणा 2 बटा 100 कर लो, बात तो एक ही है। कान अगर यहां से पकड़ो, ये घुमा के पकड़ो, कान तो कान ही पकड़ रहे हो ना आप मेरे भाई, लेकिन कान उल्टा कर पकड़ने में कितना सिंपल हो जाएंगी चीजें, समझो आप मेरी बात ना। तो मैंने क्या करा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिखा, ये 52% ऑफ 450 था, 550 था, मैंने इसको क्या बना दिया, इसको क्या लिख सकता हूं, 550% ऑफ 52। आपको 52 का 550% निकालना है, तो 52 तो अपने आप में 100% है, मन में कर सकते हैं कि 100% बराबर 52, 50% बराबर, देखो मन में 100% बराबर, मेरे सामने देखो 100% बराबर 52, 50% बराबर 52 का हाफ 26, यार 100% बराबर जब आपका 52 है तो 500% बराबर कितना होगा, 52 का 5 गुना, 5 गुना कितना होगा 260, 500% बराबर 260, 50% बराबर 26, 260 प्लस 26 286, ये आपका आ गया इसका मल्टीप्लाई 286, ये कितना 176 माइनस 390, तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा 72। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, फटाफट इसको बच्चे नोट कर लो फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज डू इट, ठीक है बेटे जल्दी करो आप। नेक्स्ट बनाइए बेटा, आपको देखते हैं कौन से बच्चे बना पाते हैं, है ना, बनाइए जरा आप इसको। ठीक है बेटा, अब देखो 54.99% का मतलब क्या है, 55%, इसका मतलब क्या है 400 प्लस, ये 50% का मतलब 50 बटे 100, ये कितना है बेटा 600, माइनस ये कितना है बेटा 500 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। एक काम करते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हम क्यों लिखें, हम डायरेक्ट करेंगे ना एज एग्जामिनर, एज एग्जाम में 55% ऑफ 400, तो 55% ऑफ 400 पॉइंट परसेंट हटाऊंगा, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 55 गुणा 4, 55 का डबल 110, 55 गुणा 4 करना है आपको, तो 55 चौके कितना होता है, 55 का डबल 110, 110 का डबल 220, बोला डायरेक्ट करेंगे ना, 50% ऑफ 600 आधा कर दो, 600 का 300 माइनस 500 बराबर रूट एक्स, ठीक है बेटा। तो देखो देखो बेटा समझना, बेटे बात समझना, 300 और 200 से 500 कट गया, बचेगा यहां पे 20, 20 बराबर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा 400, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बनाइए बेटा इसको, देखो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो ये किसी का परफेक्ट नहीं है, इसके नियर है, अब इसका नियर बाई होता है 1024, 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है 32। अब देखो बेटा यहाँ फंस गए नहीं फंस गए, मेरी बात है आपको कुछ कड़वी जरूर लगती होंगी लेकिन सच्चाई है बेटा, 9 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं हुआ 9 साल पढ़ाते पढ़ाते आपके सेक्टर को, बैंकिंग के बच्चों को, मैंने आपको जब स्क्वायर सिखाया था तभी मैंने बोला था आपको
एक से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद कर लो, एक से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद कर लो। अगर आपको एक से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद थे तो आप 1024 के दिमाग में तुरंत आपके माइंड में जाएगा 32 का स्क्वायर होता है। लेकिन आजकल आजकल के फैकल्टी भी अच्छे महान होते हैं, क्या ट्रिक बता देते हैं बच्चों को खुश करने के लिए कि 21 कि जैसे 22 का, जैसे मान को आपको 23 का स्क्वायर निकालना, ट्रिक बता देते हैं 3 का स्क्वायर 09 लिख दो या 4 लिख दो, एक छोड़कर 2AB लिख दो और आंसर आ जाएगा। यार गलत है, समझ में आया बेटा? हमेशा एक चीज़ याद रखना बेटा, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, मैं आपको प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बच्चे आज PO नहीं है, मैनेजर भी बन चुके हैं और बड़े बड़े जैसे अच्छे एग्जामों में, यार SBI लो, IBPS लो, है ना। तो ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं होता बेटा, ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक नथिंग, ट्रिक लाइक अ मीठा जहर। बैंकिंग के बच्चों को आपको सीखना कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट से ट्रिक जनरेट होती हैं। और कंसेप्ट सीखोगे और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग आनी चाहिए, फ्रेमिंग कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है आपको, वरना यूट्यूब पर देखने के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा कि यार हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बेटा वो। तो ट्रिकों से जितना दूर रहोगे उतना आप मजा लोगे, उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, उतने अच्छे मार्क्स लेके आओ क्वांट में, बैंकिंग के एग्जामों में। हाँ SSC के पेपर दे रहे हो आप, CHSL का पेपर दे रहे हो, है ना, या MTS का पेपर दे रहे हो, उसमें आप ट्रिक व्रिक लग सकती हैं। लेकिन CGL का जब आप SSC का पेपर दोगे उसमें भी कंसेप्ट काम आते हैं बेटा, और बैंकिंग में तो भैया कंसेप्ट ही काम आते हैं। क्यों? जब आप मेंस में जाओगे, मान लो प्री आपने निकाल भी लिया जुगाड़बाजी से, आपका आपका तुक्का फिट हो गया, प्री पास हो गए, तो मेंस में तो भैया एक एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है, एक एक क्वेश्चन। जो बच्चे पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं समझ लो आप, मेंस में बैंक के जब मेंस में जाओगे तो एक एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है, और जब कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक एक क्वेश्चन भी कर पाओगे वहां पर, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप देखते रहोगे, समय निकल जाएगा आपका, मतलब कहां से शुरू करूं कहां पे खत्म करूं वही सोचते रह जाओगे। तो बेटा मैं तो आपको एज अ मेंटोर, एज अ मैथ्स फैकल्टी आपको ये सजेस्ट करूंगा मेरे सभी बच्चों को, क्या जितना मेहनत ट्रिक पे कर सकते हो उतनी मेहनत बिल्कुल मत करो। आपको मेहनत किस पे करनी है? कंसेप्ट पर, कंसेप्ट से ट्रिक निकलेंगे। अभी तो स्टार्ट होने दो, वर्ड्स प्रॉब्लम एकदम उतार दूंगा आपके आपके दिमाग में, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना सिखाऊंगा, ट्रिक व्रिक नहीं बेटा, ट्रिक तो खुद बनाओगे आप देखते, आप देखो तो सही। इसको क्या लिखेंगे? 8961 किसका होता है? 31 + x, सीधे जोड़ो ना, 32 और 8 40 और 31 71 + x इक्वल टू, ये 25% है, 25% ऑफ 700। अब देखो लिखना उतार, सीधे मन में उतारना है, 25% ऑफ 700, 25% होता क्या है, 25% होता क्या, बेसिकली 25% क्या होता है, 1/4। तो 700 का 1/4, 700 का आधा 700 का आधा 350, 350 का आधा 175, 104, ऑप्शन नंबर ए खत्म, खत्म। समझ में आना है बेटा? आपको पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4, 700 का 1/4, 700 का आधा 350, 350 का आधा 175, तो 71 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर 104। समझ में आया प्यारे बच्चों? नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो आप, आपको पता है यार 349 और 50 को मैं डिवाइड, 49 को डिवाइड नहीं दे सकता। आपको पता है 349 को अगर मैं 350 अज्यूम कर लूं मन में, और इसको 50 अज्यूम करो, सीधे सीधे 7 बार कटेगा नहीं कटेगा बोलो? तो 349 इसको मैंने मान लिया 350, इसको मैंने मान लिया 50, तो सीधे सीधे कट गया ये 7 प्लस, ये 10 का स्क्वायर ये हो गया 100 इंटू ये 19.99 का मतलब कितना हो गया बेटा? ये हो गया 20 बराबर एक्स क्यूब माइनस, ये कितना हो गया बेटा? 19% ऑफ 1000, तो 19% ऑफ 1000 कितना हो गया? 190, कितना हो गया बेटा ये? 190। अब मुझे बताओ ये हो जाएगा आपका 2000 7 प्लस 2000 और 190 यहां से आएगा, 190 बराबर x का क्यूब, तो ये हो जाएगा x का क्यूब बराबर 2197, तो x बराबर क्यूब रूट ऑफ 219। सभी जानते हैं क्यूब 2197 का मतलब कितना होता है? 13। अब आप इसमें ट्रिक लगाओगे, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के क्यूब याद थे तो आपको ट्रिक लगानी है इसमें? बिल्कुल नहीं लगानी है, सीधे सीधे आंसर दोगे 2197 का क्यूब रूट कितना? 13, ऑप्शन नंबर बेटा डी इज करेक्ट। अब मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, कोई परेशानी हो तो आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो मैं आपको क्यू रूट बता देता हूं कैसे निकला। आपको शायद याद हो 2197 का, मैं बता देता हूं ट्रिक से कैसे निकला, मैं आपको बता देता हूं ट्रिक से कैसे निकला, मैंने बताया क्यू रूट का ट्रिक 2197।
देखो सेवन है, सेवन तो कितना लिख दिया, थ्री लिख दिया है ना, लास्ट की टू डिजिट, लास्ट की थ्री डिजिट कर। अब आपके बचा बेटा टू। टू किस किस के क्यूब के बीच आता है? टू किस किस क्यूब के बीच आता है? एक तो वन के क्यूब के बीच आता है, एक टू के क्यूब के बीच आता है। टू तो इन दोनों में बड़ा छोटा नंबर ले, छोटा नंबर वन, वन चुपका दो बगल में आंसर। लेकिन बेटा इन एक से लेकर 25 तक तो मैं आपके हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, आप अगर आप नए नए बच्चे हैं लेकिन आप सीरियस बच्चे हैं, आप इस साल नौकरी लेना चाहते हैं अभी PSPO के थ्रू या SBI के थ्रू, तो मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा एक से लेकर 25 तक भैया आप ट्रिक व्रिक मत लगाओ, आपको मुंह जवानी ओरली याद होने चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त। तभी तो मजा कैलकुलेशन का मेरे भाई। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कैलकुलेशन बताइए, कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, कुछ जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि आपके ऊपर घुमाऊंगा तो घुमाऊंगा घुमाऊंगा और आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। नहीं, चीजें समझनी पड़ेंगी, जो चीज बोल रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा बेटा, और आपको पता नहीं लगेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, देखो ये किस, ये कितना है 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। ये कितना है 256 राउंड फिगर में, ये कितना 40/√x, और ये कितना 48% ऑफ 650। देखो ये भी अच्छी कैलकुलेशन आ गई, मजा आ गया, अच्छी कैलकुलेशन आ गई 48% ऑफ 650। अब देखो बेटा है ना, इसको समझना बड़े ध्यान से आप। अच्छा 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 64, अच्छा 4 3 12 आंसर लगा 192 प्लस 40/√। अब इसको सॉल्व करते हैं आपके लिए। देखो 48% ऑफ 650 है ये, आप मुझे बताओ क्या मैं इस एक्सप्रेशन को, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को 650% ऑफ 48 लिख सकता हूँ? एक ही बात है ना, 650% ऑफ 48 लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना बेटा। अब आपको बताना 650% निकालना आपको 48 का, तो ये बताओ कोई भी नंबर अपने आप में 100% समझ गए कैसे करना है, तो 100% की वैल्यू तो 48 ऑलरेडी पता ही है आपको, 50% की वैल्यू हाफ कर दो इसका 24, आपको 650% निकालना है तो आप 600% निकाल दो, इसका 6 गुना कर दो, तो इसका 48 में 6 का गुना तो करना इजी है ना बेटा, आर्चिंग 48 का 8, कैरी विल बी 4, 6 चौक 24 28, समझ में आ गया, 8 और 4 12 32 और 1 33, सॉरी 28 और 2 30 और 31, ठीक है। तो देखो 600%, देखो 600% हो गया आपका 288, और 50% आपका था 24, दोनों को ऐड करेंगे 8 और 4 12 कैरी 1, 28 और 2 30 और 31, तो 650% की वैल्यू कितनी आ गई 312, तो ये आ गई 312। नहीं करना चाहते तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर दो बस, अगर नहीं करना चाहते नॉर्मल कैलकुलेशन कर दो बेटा, काट दो इसको पाँच, पहले 5 से काट दो फिर 5 से काट दो, ऐसे कर दो 312 आ गया, ठीक है 312 आ गया। तो 40/√x बराबर इसको 192 को मां ट्रांसफर कर दूंगा आपके लिए, 192 को मां ट्रांसफर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 11 में से, ये आपका 11 में से ये आपका हो गया 200, सॉरी 200 नहीं हुआ, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड, जीरो 11 में से 9 गया 2 है ना, और ये बचा आपका 120 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 120। समझ में आ गया, कुछ गलती तो नहीं कर दी, देख लो बेटा एक बार, 48% ऑफ 450, तो 100% 48 है ना, 24 इसका 6 गुना कर दो आप, 6 चौक 24 आर्चिंग 48, 6 चौक 24 आर्चिंग 48, 288 में आप 24 जोड़ दो, 8 और 4 12 331, 312 इसमें जोड़े, 31 में से जब आप 19 घटाओगे तो 120, इसको काट दिया आपने एक बार, इसको काट दिया आपने 3 बार, ठीक है। तो 1/√x की वैल्यू आ गई आपकी 3, 1/√x की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x की वैल्यू आपकी आ गई 1/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया 1/9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, एक बार और बताते इस पूरे क्वेश्चन को, इसको आपने 3/4 लिखा, इसको आपने 256 लिखा, इसको आपने 40 लिखा, इसको आपने √x लिखा, इसको आपने 48% ऑफ 650 लिखा, इसको मैंने काटा ये 64 तिया होते हैं, देखो 64 तिया डायरेक्ट कैसे करते हैं, 60 × 3 मन में, 60 × 3 180, 4 3 12, 180 + 12 192, 192 प्लस 40/√x। जब मैंने इसको सॉल्व किया 48% ऑफ 450, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 650% ऑफ 48,
तो 100% की वैल्यू आपकी 48 ऑलरेडी पता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 600% बराबर कितना, इसका 6 गुना कर दो, 6 गुना किया 288, और उसका 50% कितना होगा, 50% 100% 48 और 50% 24, तो जोड़ा आपको 650% की वैल्यू कितनी आ गई, 312। ये हो गया आपका 312। इसमें से ये घटाऊंगा मैं, टर्मिनेट होगा तो ये बचेगा 120, ये बचेगा 120, इसको एक बार, इसको तीन बार, तो 1 बराबर आपका आ गया 3/√x। तो रूट एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/3। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9। x बराबर 1/9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? तो ये 10 क्वेश्चन मैं लेके आया था, बताइए बच्चों आपको कैसा लगा सॉल्यूशन, समझ में आया या नहीं आया, है ना? कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना? कमेंट करके बताइएगा बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो आपको। मैं केवल मेहनत कर सकता हूँ, आपको देखना है कि आप सर की मेहनत अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है ना, आपके लाइक्स के थ्रू, आपके कमेंट के थ्रू, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो को बच्चे, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो, चाहे टेलीग्राम में आप हो, है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप हो बच्चों, आपको वीडियो शेयर करनी है ना, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, Adda247 को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। और एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ चलते चलते, कि आपको जैसे पता सीजन आपका लास्ट मंथ की सेल आपकी आ गई है, 32% ऑफ मिल रहा है कुछ भी चीज़ लेने पर, बस आपको कोड लगाना है U195। कोड कितना लगाना है आपको, U195 कोड लगाना है बच्चों, आपको 32% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, और प्लस 5% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप Adda247 ऐप के थ्रू इसको परचेस करोगे, जो आपके कॉइन्स होते हैं ना इसको अवेल करोगे तो 5% डिस्काउंट और मिल जाएगा, बट 32% तो फ्लैट आपका डिस्काउंट है, तो याद रखिएगा बच्चों, है ना? तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी रखता हूँ, है ना, आज के लिए इतना काफ़ी रखता हूँ, रिजर्विंग क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही होगी, ठीक है बच्चों? तो कल मिलते हैं सुबह 5 बजे इसी तरंग के संग, इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए बच्चों, इस महामारी से बचिए बच्चे, घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।